हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियो पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सुबह 5 बजे ब्लैक मैजिक शो काला जादू, यानी फिर से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट है रिवर प्रोजेक्ट यानी नदी घाटी परियोजना जो बात करते हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और आज क्या है परियोजना में तो जल्दी से देखते हैं, लेकिन याद रहे अगर अच्छा लगेगा आपको तो कमेंट बॉक्स में वाईफाई चैंप जरूर लिखिएगा, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं क्या है यानी। और ये रहे आपके शेड्यूल, कई सारे बच्चे अभी भी भटक गए कि कहाँ है। तो 2 टाइमिंग 9 और 1 दोपहर ये वाईफाई स्टडी पे, और जो रेस्ट देख रहे हो आप ये वाईफाई स्टूडियोज पे, तो याद रखना। तो क्या है, बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं, भारत की बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं की बात करते हैं। तो क्या परियोजना कहते किसको है यानी बहुउद्देश्यीय, हम अलग अलग उद्देश्य के लिए, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें या बिजली की बात करें, सिंचाई की बात करें, बिजली की बात करें, इसके लिए हम लोग बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं की निर्माण की जाती है भारत में। तो आज क्या है सर, आज हम देखने वाले हैं डीबीसी के बारे में। लेकिन एक चीज हमेशा समझिएगा, पहले बांध बनाया जाता था बाढ़ को रोकने के लिए और वर्षा के जल को हम स्टोर कर सके, लेकिन अब मोटिव चेंज होकर ये क्या हो गया, मल्टीपर्पस हो गया। क्या हो गया, मल्टीपर्पस हो गया। तो सर आज बात करने वाले हैं डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें, भारत में 2 राज्यों में फैला हुआ है, कहां, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो झारखंड में कितने राज्यों में, मुख्य रूप से हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और चतरा जिलों, और पश्चिम बंगाल में वर्धमान हुगली। बात समझ रहे हो बात को। तो सर ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि दामोदर डीबीसी पर कितने सारे डैम बने हुए हैं। तो डीबीसी हैज अ नेटवर्क ऑफ 4 डैम्स, यानी डीबीसी का 4 बांधों का एक नेटवर्क है, बराकर नदी पर तिलैया और मैथन, बराकर नदी पर तिलैया और मैथन डैम, दामोदर नदी पर पंचेत और कोनार नदी पर कोनार। ऐसे दामोदर पर बात करेंगे तो झारखंड में 8 डैम बनाए गए हैं। डीबीसी यानी ट्रिक क्या है, डीबीसी मैं दादू का पति, यानी डीबीसी जाता है किसी से मिलने और कहता है मैं दादू का पति हूं, मैं कौन हूं, दादू का पति। तो यही ट्रिक है कि डीबीसी पर कितने सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, यानी मैं दादू का पति, मैं यानी मैथन, बराकर नदी पर, ये कहां, झारखंड में, दादू यानी दामोदर नदी प्रोजेक्ट कहां, झारखंड और वेस्ट बंगाल, दू यानी दुर्गापुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां, वेस्ट बंगाल, और का यानी कोनार नदी पर, कोनार जो झारखंड हजारीबाग में है। यानी मैं दादू का अब बच गया पति, तो पा से दामोदर नदी पर पंचेत झारखंड और वेस्ट बंगाल, और ता से तिलैया जो कोडरमा है, ब्राकर नदी पर तिलैया झारखंड। तो ये था डीबीसी ने कहा मैं दादू का पति, ये था ट्रिक्स। थोड़ी सी मैं आपको और बता दूं सर, दामोदर नदी के बारे में थोड़ा बता दूं, जिससे बंगाल का शोक कहते थे पहले, कहां से निकलती है ये। तो दामोदर नदी भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ियों में लगभग 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, पहले इसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। ये कहां मिल जाती है, ये हुगली में मिल जाती है, जो पश्चिम बंगाल में यानी गंगा का नाम, गंगा कहलाती है। तो ये ट्रिक कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वाईफाई चैंप जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आने वाले समय में इसी कोड से आपके जो लेक्चर आने वाले हैं प्लस पे सब देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।